हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों फिर सब सभी का स्वागत है एक मेरे इनका एक नया वीडियो पे। दोस्तों बहुत दिन से मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा था, मेरा एक सब्सक्राइबर भाई बोल रहा था कि भाई को ओप्पो के फ़ोन के बारे में कुछ बताओ जो नया आ रहा है। तो अक्टूबर का महीना आ रहा है तो एक नया फ़ोन तो ओप्पो की तरफ से ऑब्वियसली रहेगा, एक नहीं काफ़ी सारे फ़ोन हैं जो एक ही सीरीज के अंदर आएगा। बट आप लोगों को पता होगा ओप्पो अपने एंड से एक नया फ़ोन को लॉन्च किया था जिसका नाम था ओप्पो F17 और F17 Pro। ये था स्लीकेस्ट एंड स्लिमेस्ट फ़ोन अभी तक का। बट इसके बाद अक्टूबर के महीने में और एक फ़ोन ओप्पो लेके आ रहा है जहाँ पे ओप्पो क्लेम कर रहा है ये होगा ओप्पो F17 और F17 Pro से भी स्लिमेस्ट एंड स्लीकेस्ट, जिस फ़ोन का नाम है ओप्पो F21 Pro। तो आज के इस वीडियो हम बात करेंगे इसी ओप्पो F21 Pro के जो स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में, उसके साथ साथ बताएंगे कि इसे प्राइस रेंज पे ये मिलेगा, कब तक ये लॉन्च हो सकता है, एंड में आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो फोन है ये फोन आप लोगों को लेना चाहिए कि नहीं। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर आए तो जरूर से जरूर दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना एंड जरूर से जरूर कमेंट कर देना। सो दोस्तों ये जो ओप्पो F21 Pro है इसके अंदर आप लोगों को मिल जाता है 6.5 इंच का एक सुपर अमोलेड डिस्प्ले विद 1080x2400 पिक्सल्स रेजोल्यूशन, 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो एंड 405 का PPI। मतलब डिस्प्ले जो होगा वो काफ़ी ब्राइट आप लोगों को देखने को मिलेगा। इवन उसके साथ साथ यहाँ पे जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है, जो मूवी या वीडियो वगैरह देखने का एक्सपीरियंस है, कोई भी टेक्स्ट वगैरह पढ़ने का एक्सपीरियंस है, PPI ज़्यादा है तो इसलिए आप लोगों को सारा चीज़ काफ़ी क्लियर देखने को मिलेगा। उसके साथ दोस्तों अगर मैं यहाँ पर रैम एंड रोम का बात करो तो यहां पे आप लोग को 8GB एंड 128GB स्टोरेज का ऑप्शन मिल जाता है। अब देखो दोस्तों यहां पे 256GB होने का चांस बहुत ही कम है, बिकॉज ये जो वर्शन है 8GB एंड 128GB यहां पे आप माइक्रो SD कार्ड के थ्रू 256GB तक आपका जो स्टोरेज है उसको एक्सपेंड कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से 256GB ना होने का ही चांस है, अब अगर हो जाए तो अलग बात ही होगा। अब दोस्तों चलो बात करते हैं इस फोन का कुछ और कनेक्टिविटी का। तो यहां पे आप लोगों को ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिलता है, USB टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है, इवन आप लोगों को डुअल स्टैंडबाय वोल्टेज मिल जाता है, वाईफाई का सपोर्ट तो ऑब्वियसली रहेगा, तो सारा जो कनेक्टिविटी वगैरह है वो आप लोगों को देखने को मिल जाता है। इवन दोस्तों अगर मैं यहाँ पे सेंसर्स वगैरह का बात करूँ तो यहाँ पे आप लोगों को जो फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है वो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, इवन यहाँ पे फेस अनलॉक का भी ऑप्शन है, 3.5mm जैक भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसको छोड़ के जितने भी सेंसर्स वगैरह होते हैं जैसे लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, कॉम्पास, जाइरोस्कोप, सारा चीज आप लोगों को इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं ये जो फोन है इसके अंदर कैमरा कितना लगा हुआ रहेगा। इसके अंदर दोस्तों आप लोगों को क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है जहां पे 64MP का एक वाइड एंगल कैमरा, 8MP का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा, 5MP का एक हो सकता है मैक्रो कैमरा या टेलीफोटो, जो भी हो कोई भी श्योरिटी नहीं है, एंड 2MP का डेप्थ सेंसर विद ऑटो फोकस। अब देखो ये 5MP एंड 2MP वाला कैमरा रहना ना रहना नॉर्मल सा बात है, बट ये जो 64MP एंड 8MP है यही बेसिकली मैंने, तो जहां पे आप लोगों को प्राइमरी सेंसर जो वो 64MP का मिलता है ना, उम्मीद करता हूं कि इसके अंदर शायद लगा हुआ रहेगा सोनी का AMX का सेंसर। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं यहां पे वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह का, तो रियर कैमरा से आप 1080p पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, 4K का कोई भी ऑप्शन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। अब आ जाते हैं दोस्तों फ्रंट कैमरा पे, तो यहां पे आप लोगों को 32MP का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है विद पंच होल, तो ऑब्वियसली यहां पे एक जो स्क्रीन है उस पे आप लोगों को फुल डिस्प्ले स्क्रीन का जो एक्सपीरियंस है वो आप लोग उठा सकते हो। इवन यहां पे भी आप लोग मतलब फ्रंट कैमरा के थ्रू भी 1080p का वीडियो जो है वो आप शूट वगैरह कर सकते हो। अब चलो आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पे जो प्रोसेसर वगैरह है एंड OS वगैरह है उसके बारे में, तो यहाँ पे आप लोगों को एंड्रॉयड वर्जन 10 देखने को मिलेगा, एंड प्रोसेसर जो है वहाँ पे आप लोगों को MediaTek का हीलियो P95 का प्रोसेसर मिलता है विद 2.2 GHz क्लॉक स्पीड, एंड ये एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे हो कि भाई P95 लेना सही होगा कि नहीं। देखो दोस्तों P95 एंड G95 इस दोनों के अंदर कोई भी प्रॉब्लम मतलब कोई भी डिफरेंस आप लोगों को नहीं मिलेगा, एक आइडेंटिकल दोनों ही है प्रोसेसर, तो बस नाम का चेंज है। G95 जो है उस पे बेसिकली गेमिंग के ऊपर जो है वो उसको प्रायोरिटी दिया जाता है, बट मेरे हिसाब से P95 लो या G95 लो आप लोगों को कोई भी फर्क देखने को नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ दोस्तों अब मैं यहां पे बात करूं बैटरी वगैरह का, तो यहां पे आप लोगों को मिल जाता है इस ओप्पो F17 Pro के अंदर 4500 mAh का बैटरी विद 65W का फास्ट चार्जिंग,
तो ये काफ़ी अच्छा बात है। खैर बैटरी जो है वो तो 4500 mAh का है, ठीक है, बट इस पर आप लोगों को जो 65W का चार्जिंग मिलता है वो एक एड ऑन से वो एक अच्छा बात है। अब फाइनली दोस्तों अगर मैं इसका प्राइस वगैरह का बात करूँ तो ये जो फ़ोन है ये आप लोगों को मिल जाता है 25,990 rupees पे, एंड ये फ़ोन शायद ही अक्टूबर के 10 तारीख से पहले आप लोगों को देखने को चांस है। तो अब दोस्तों मैं फाइनली बताऊं कि आप लोगों को ये फ़ोन लेना चाहिए कि नहीं। मैं बोलूँगा अगर आप लोग इस फ़ोन को सिर्फ और स्लिमेस्ट एंड स्लिकेस्ट के हिसाब से लेना चाहते हो तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। बेसिकली आप दूसरे किसी कंपनी का फ़ोन वगैरह देख सकते हो, जहाँ पे आप लोग सैमसंग के तरफ से जो M51 आता है उसको देख सकते हो, जहाँ पे आप लोगों को बैटरी भी काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, प्रोसेसर भी अच्छा है। अब आपके ऊपर है आप कौन सा वगैरह फ़ोन लेना चाहते हो, बट मैं पर्टिकुलरली इस फ़ोन को उतने अच्छे से सजेस्ट नहीं करूँगा। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो की तरी खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहना, ठीक से रहना।